हाय, तो आज हम करने वाले हैं बातें इको फ्रेंडली स्कूटी के बारे में, जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लव 96 हियर। तो आज हम बातें करने वाले, जैसे कि आपको पता चली गया होगा कि इको फ्रेंडली स्कूटी के बारे में, जियो है बैटरी कंपनी से और ये है लिथियम आयन बैटरी की इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा और बाकी की सारी आपको डिस्प्ले कर दूंगा, जो मुझसे छूटेगी तो आप उसमें पढ़ लेना। और एक मैं पार्ट बना के सीधा लेके जाऊंगा आपको स्कूटी के पास और उसका लुक दिखाऊंगा। और मुझे तो आप पूछोगे तो पर्सनली ये स्कूटी बहुत पसंद आई है, क्योंकि इतनी प्यारी है ना, जैसे वो इटली में नहीं क्या होती है एक स्कूटी, कुछ इटैलिक लुक टाइप में है, मुझे ये पर्सनली इटैलिक लुक लगा है। पर इनका ऐसा कहना है कि ये अर्बन डिजाइनिंग है, तो देखते हैं ये कैसी डिजाइनिंग आपको कैसी लगती है। तो अभी लाइन में आपके सामने उसके फोटोज में दूंगा, इसके बारे में जानकारी देते देते तो मेरी आवाज चालू रहेगी लेकिन आपको डिस्प्ले होती रहेगी इसकी फोटोज। तो ये है टोटल 8 कलर में अवेलेबल, और मुझे इसका पर्सनली अगर अच्छा लगा है तो वो लुक है, तो आगे का उसका प्रोजेक्टर, और उसका प्रोजेक्टर गोल नहीं है, कुछ स्क्वायर में है, और इसको डिस्प्ले भी एकदम अच्छा है डिजिटल। तो आप देखते रहिएगा, आपको फोटोज में अभी यहाँ पे दिखाऊंगा। तो बाकी की मैं स्पेसिफिकेशन इनकी बताते जाता हूँ आपको। तो जैसे कि आपको मैंने बोला कि इसमें लिथियम आयन बैटरी है, और इसकी बैटरी भी रिमूवेबल है, जो आप घर में लेके जाके इसको चार्ज कर सकते हो। और इसकी बैटरी चार्ज होने के लिए लेती है खाली 2.5 घंटा। 2.5 घंटे में इसकी बैटरी पूरी अच्छी तरह से चार्ज हो जाती है। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है कुछ 150 mm। और इसकी बाकी की जानकारी मैं अभी और महत्वपूर्ण आपको देना चाहूँगा। तो सबसे पहले अपने दिमाग में आता है इसका प्राइस। तो उसका प्राइस मुझे अभी तक जो जानकारी हिसाब से पता चला है 65K to 75K, 65,000 to 75,000 तक इसका प्राइस है, जो कि मुझे अभी तक इसकी जानकारी मिली है। और इसकी बैटरी लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो इन्होंने कहा है कि 2,000 cycles तक ये चलेगी। तो ये थी इसकी बेसिक सी जानकारी जो मेरे पास अवेलेबल थी। तो बाकी की जानकारी आपके डिस्प्ले पे मैं दे दूंगा, तो आप देखिएगा और बाकी की वीडियोस हम आपको दिखाएंगे। बाकी की बेसिक जानकारी तो आपने ले ही ली है, तो वहाँ पे जाके मैं स्कूटी के पास आके आपको और कौन सी जानकारी दूंगा उसके बारे में एक थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो वहाँ पे जाती मैं सबसे पहले स्कूटी का एक मोटो ब्लॉग करूँगा, जिसमें मैं देखूँगा कि बेसिक इसका टॉप एंड स्पीड क्या है, कितनी टॉप कर सकती है। मैंने सुना है कि इसमें कुछ मोड्स है, तो वो कौन से मोड्स है वो भी हम वहाँ पे जाके देखेंगे। फिर देखेंगे कि इसकी स्पेसिफिकेशन चल रही है, तो उसमें स्पेस कितना है वो पहले देखेंगे कि उसका बूट स्पेस कितना है, और जो बीच में का स्पेस होता है जगह जहाँ पे अपन टांग रखते हैं, तो वो कंफर्टेबल है क्या, जो वहाँ पे कुछ बैग बिग्स रखने के लिए जगह है क्या, तो वो सारी जानकारी हम वहाँ पे लेंगे। फिर उसकी क्वालिटी के बारे में देखेंगे कि ये फाइबर बॉडी है, मेटल बॉडी है, क्या है। और सुना है कि आगे और पीछे ड्यूअल डिस्क ब्रेक है, तो देखेंगे। और इसमें दो मॉडल भी मैंने सुने हैं कि अवेलेबल है, एक है बेसिक वर्जन और एक बोलते हैं हायर थोड़ा सा वैसा। और भी मैंने एक इसकी बात सुनी है कि ये की से चालू भी होती है और की से ऑफ भी होती है, और इसकी की भी कुछ बोलते हैं कि अच्छे लेवल की है, मतलब जैसे कि कार की होती है स्मार्ट्स की, कुछ उस तरह से है। तो ये भी जाके हम वहाँ पे देखेंगे और वहाँ पे अवेलेबल कलर आपको लाइव दिखाएंगे। तो
प्लीज नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तो आपको आगे के आने वाले वीडियोस भी दिखेंगे, और पीछे के जो वीडियोस है उसके बारे में भी कुछ बोलना चाहता हूँ जो कि रह गया था, जो मैं स्टार्टिंग में बोलना चाहता था, जैसे कि मैंने लिया था हेयर ड्रायर, जो हेयर ड्रायर के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उसका एक रिव्यू मैं अभी यहाँ इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि वो हेयर ड्रायर बहुत ही अच्छा निकला है, अभी तक उसमें मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं, और सबसे मेन बात कि ये मुझे किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं किया था, ये मैंने खुद के पैसे डाल के लिया है, और जहाँ तक मुझे पड़ा था कुछ 350 रुपीज़ के आसपास, तो पैसा वसूल प्रोडक्ट है तो आप ले सकते हो, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके मेरे लिस्ट में से उस वीडियो को देखो। सेकेंड था मेरा बबल वाइज़र, जिसका शायद पीछे अभी वीडियो चल रहा था जो ख़त्म हो गया है, तो 220 पे मैंने मेरे वो बबल वाइज़र डाला था, तो बाइकर्स नेशन से वो मैंने लिया था, तो एक मैंने राइड की थी शिरडी, तो वो भी वीडियो आप देख लेना, तो उसमें मुझे उसका अच्छा मतलब बेनिफिट मिला कि जो हवा आती है वो मुँह पे नहीं आ रही थी ना मेरे चेस्ट पे लग रही थी, तो बहुत ही अच्छे से वाइज़र काम कर रहा है, और उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, प्रीमियम क्वालिटी है, क्योंकि बहुत सारे खड्डों में जाने के बाद भी उसको कहाँ से भी क्रैक नहीं गया ना अभी तक कुछ हुआ है, तो इन सारी चीज़ों के रिव्यूज़ मैंने आपको दिए। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके मेरे उस वीडियोज़ को देखना और लाइक भी करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले वीडियोज़ आप देख सके, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलना, सॉरी ज़रा सा मिस्टेक हो गया, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलना ताकि आपको नोटिफिकेशन आए, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।